एक इंस्टाग्राम पोस्ट से शुरू हुई पूनम पांडे की मौत की खबर मिस्ट्री बन गई थी। 2 फरवरी को पूनम पांडे की मौत की पुष्टि उनके मैनेजमेंट टीम ने की थी। बाद में पूनम पांडे के एक और वीडियो ने तहलका मचा दिया है, जिसमें पूनम पांडे ने जिंदा होने की बात कही है। पूनम के इस मौत के ड्रामे से जहां एक ओर उनकी आलोचना की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पूनम पांडे इसे सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने की बात बता रही है। पूनम के इस पूरे ड्रामे का अब विरोध होना शुरू हो गया है। फिल्म निर्माता और निर्देशक अशोक पंडित ने भी पूनम पांडे की कड़ी आलोचना की है। The law of enforcing agencies to take action against this actress. A case should be filed against her for speaking lies to the nation. She has made fun of all those who are battling this disease of cervical cancer. It's a very serious disease.